लापता 24 करोल बाग आ जाइयो। हाय भाभी। हाय अभी। हाय। तुम 10 मिनट पहले ही आ गए। समिति कहाँ है? किचन में। दी, आपके फोन पे मैसेज आया है अभी का, 10 बजे आ रहा है वो। अनीता का फोन नहीं मिल रहा था तो मुझे मैसेज कर दिया। तूने मेरा मोबाइल यूज किया? किसको फोन किया था तूने? कल रात को मैं मोबाइल के ऊपर ही गुस्सा हुई थी ना, जिसकी वजह से तूने अपना मोबाइल खो दिया। अगर आज माँ ने तुझे मेरे मोबाइल के साथ देख लिया तो क्यों डांट खाने वाली हरकतें कर रही है? नहीं तू माँ को ना मुझसे चिढ़ है, मेरे सपनों से। नहीं जानती कैसे और क्यों, लेकिन मैं बैठ गई थी उस पल जो मेरे दिल में कहा मैंने किया। बस अपने जुनून में मैंने सारी हदों को पार कर दिया। खुद की परवाह की ना अपने परिवार की, मुझे नहीं पता प्यार है या पागल। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, उसका पूरा नाम भी नहीं पता है मुझे। मैं अपना सामना कर पा रही हूँ, मैं अपने परिवार का सामना कर सकती हूँ। लड़के का नाम है नकुल। तुम्हारी माँ का फोन आया था, उन्होंने मेरी माँ को एक रिश्ता बताया, तुम्हारी फैमिली की कोई जान पहचान का भतीजा है। क्या इस वक्त? नहीं दिक्कत कोई नहीं, हाँ जी सिमी घर पर ही है। अच्छा जी नमस्ते। आंटी ये नमस्कार माँ जी, हमें नकुल सिंह डागर कहते हैं। लापता 24 करोल बाग आ